नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज, साथ ही साथ हिंदुस्तान की आवाज़। आज हमारे साथ माननीय सांसद महोदय और कह साथ ही साथ भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार और भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जनक, जिन्होंने अपने दम पर भोजपुरी इंडस्ट्रीज को बिहार के अलावा जो है विदेशों में भी जो प्रसारित करने का काम किया है। हमारे साथ माननीय, नाम तो आप लोग सब जानते ही हैं, क्या कहे हम, मैं बचपन से छोटा सा था लुल्लू मुल्लू, तब से मैं आपको देख रहा हूँ, देवघर में आज आ पाए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। जब हम अभी याद कर रहे थे कि 29 साल पहले हम जब आए थे पहली बार जी देवघर में, 1993 में, 7 साल उधर और 22 साल इधर, 29 साल हो गया, और हम सुल्तानगंज से जल उठा के लेके आए थे पैदल जी, और उसके बाद हर साल आते 94, 95, 96 में स्टार बन गया जी, गाने चल गए, बाबा का गीत भी गाया मैं पहली बार 96 में। तो तब हम लोग कैसे कैसे आते थे, ट्रेन से, बस से, जीप से सुल्तानगंज पहुंचते थे, पैदल आते थे। वही देवघर, अगर मूल हम देवघर की बात करें तो मान लीजिए बाद में हम लोग थोड़ा सा बाबा ने सक्षम बना दिया तो बाबा कहे तो चलो तुम लोग समय कम है तो जल्दी से आ जाओ, तो फ्लाइट से आने लगे जी। तो कलकत्ता उतरते थे, फिर वहाँ से या पटना उतरते थे, वहाँ से बाय रोड आते थे, ट्रेन से आते थे जी। तो किसी भी तरह से देवघर 12 घंटे से कम का रास्ता नहीं होता था दिल्ली से जी। या बॉम्बे से जी। आज मैं 1.5 घंटा में आया, 1.5 घंटे में वो जो दूरियां और फासले थे वो मिट गए। हम लोग बड़े बड़े गाने होते हैं ना कि दूरियां फासले मिट गए मिट जाएंगे, तो बाबा के जो फासले थे दिल्ली से, मुंबई से, बंगलोर से, चेन्नई से, वो सब मिट गए कलकत्ता से। तो ये बहुत बड़ी बात, बड़ी है।, बात है और ये इस जो फासले मिटे हुए हैं, ये क्रेडिट आप किनको देना चाहेंगे? देखिए, क्रेडिट तो आपके लोकल सांसद जो निशिकांत दुबे जी हैं उनका जाता है टोटल जी। उन्होंने किस प्रकार से इसके सपने रचे, जब मनोहर परिकर जी इस विभाग को देख रहे थे तब, लेकिन केवल एक बार कहने से काम नहीं होता, लगातार इसमें लगा रहना पड़ता है। और नरेंद्र मोदी जी को किस प्रकार से निशिकांत दुबे जी ने इस बात के लिए तैयार किया होगा कि नहीं देवघर में चाहिए और देवघर में आप आइए, और देवघर में उन्होंने प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं और निशिकांत दुबे जी प्रधानमंत्री से पहले राष्ट्रपति जी को भी लाए थे जी। इस धरती पर निशिकांत दुबे जी ने प्रणव दा को राष्ट्रपति के रूप में लाए, और उस समय राज्यपाल के रूप में यहाँ पे रामनाथ कोविंद जी उपस्थित थे, और बाद में वो राष्ट्रपति बने। तो प्रधानमंत्री जी स्वयं आके जिस एयरपोर्ट की शुरुआत करते हैं, क्रेडिट गोज टू निशिकांत दुबे जी। कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा क्रेडिट जो निशिकांत जी को जाता है और प्रधानमंत्री को जाता है। अभी आज आप पहली बार देवघर में फ्लाइट से आए, और जैसे आप बाहर निकले तो देवघर की जनता जो है आपके लिए जो आई थी, आपने क्या प्यार देखा जनता में? अरे वो तो शब्दों में नहीं बता सकते जी, वो तो उस प्यार का शब्द में कोई वर्णन हो नहीं सकता। लेकिन जो बाबा ने प्यार दिया, जैसे ही हम लोग आज फ्लाइट आई जी, तो आज की फ्लाइट को देवघर के जल से छिड़काव हुआ, उस पर स्वागत हुआ जी, दो तरफ से जल छिड़के जा रहे थे, और वो पता नहीं वीडियो आपके पास, हाँ वाटर सैल्यूट हुआ। और जब बाहर आए ना तो बाबा ने जल बरसा करके स्वागत किया हम सभी का, इसका कोई शब्द में वर्णन कर सकता है? कहीं ना कहीं दैवीय, जिसे कहा जाता है कि भगवान को तो नहीं देखा लेकिन भगवान हमारे आसपास है, वो आज कहीं ना कहीं महसूस हुआ है।
इसमें कोई दो राय नहीं। और मनोज तिवारी जी हमारे साथ है और पहली बार आ रहे हैं, और एक छोटा सा सुमधुर बाबा के लिए संगीत न हो? नहीं, बाबा के धाम में हम लोग हमेशा एक बात कहते रहे हैं जी, कि जय 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 शिव शंकर भोला जानत बा संसार, गंगा के जल ढरते हुई जाला हो बेड़ा पार, कहाँ कहाँ से लोग जुटल बा महिमा अपरंपार, भगतन खातिर हरदम खुलल बा भोला के दरबार। हे भैया बैजू बाबा के दरबार, सारी दुनिया पे अपनी कृपा बनाए, और जिसको भी आशीर्वाद पाना हो वो देवघर आए, जरूर बाबा उस पे जरूर मेहरबान हो जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। जी बिना कुछ मिल ही जाता है। हाँ 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 जी, दुष्ट होगा तो अच्छा होके चला जाएगा, अच्छा होगा तो बहुत अच्छा होके चला जाएगा जी। और अगर बहुत अच्छा होगा तो फिर ऐसा पद दे देंगे बाबा कि दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। सर आपसे जानना चाहते हैं, आप वैसे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में काफ़ी आपने अनुभव प्राप्त किया हुआ है, और बिहार खास करके भोजपुरी इंडस्ट्रीज का एक हब बनता जा रहा है, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ झारखंड में इस चीज़ को लेकर जो है काफ़ी कमियाँ हैं, तो क्या आपके द्वारा योगदान हो पाएगा कि झारखंड के भी कलाकार आ गया है और झारखंड में भी फिल्म से रिलेटेड जो है कामें बढ़े? देखिए, जब हमारी बीजेपी की सरकार थी यहाँ, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे जी, तो हम लोगों ने पतरातू में एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण किया। जैसे ही सरकार बदली वो एकदम लगभग पूरे होने के कगार पे था, उसको दम कर दिया गया जी। अभी जैसे ही सरकार बनेगी हम झारखंड को पतरातू वाले फिल्म सिटी को डेवलप करके और पूरे देश को यहाँ बुलाने के लिए ऑलरेडी हमारा प्लान है। चूँकि अभी जो सरकार है वो संस्कृति साहित्य से जुड़ी हुई नहीं है, ये लूट खसोट वाली सरकार है जी, और क्योंकि कांग्रेस के साथ जो भी सरकार बनाएगा वो लूट खसोट वाली होगी। वैसे सर हम लोग फील कर रहे हैं यहाँ पे पत्रकार लोगों के साथ भी वैसा बिहेव हो रहा है। हाँ, ये मैं बताऊँ आपको कि बीजेपी का जो शासन है वो सबके लिए एक समान है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाला है। सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका साथ सबका विकास कहने के लिए नहीं, एक एक व्यक्ति तक पहुंचने वाला और सुविधा पहुंचाने वाली सरकार है। अब चूंकि झारखंड को महसूस भी हो रहा है, लेकिन ठीक है, लोकतंत्र में जो भी होता है कभी गलतियां भी होती है, तो अभी झारखंड उसको तो ठीक करेगा। हम आपको वादा करते हैं कि जो पार्टी जो सरकार ऐसी जगह पे, जहाँ हमको कई लोग कहते थे अरे भाई यहाँ तो डेढ़ महीना का मेला होता है, यहाँ एयरपोर्ट बनाने की क्या आवश्यकता। मैं सिविल एविएशन का स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूँ, ये जो एयरपोर्ट बनाते हैं हम लोग ना, मैं उसका एविएशन का स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूँ। तो हम कहते हैं कि आप भूल रहे हो, यहाँ अगर साधन होगा, तुमको पता नहीं है कि यहाँ सालों भर लोग आते हैं, और साधन हो जाएगा ना तो जैसा यहाँ सावन में सुविधा रहती, लोगों का जमावड़ा होता है, सालों भर होगा जी। अब देखिए होता है कि हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है लगातार और कड़ी दर कड़ी बढ़ती ही चली बढ़ती जाएंगी। और क्या है, द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं जी 12, लेकिन वो द्वादश ज्योतिर्लिंगों के जो मुखिया हैं वो बैद्यनाथ में बैठे हुए हैं। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? आप लोग आतिथ्य देवो भव के भाव को बढ़ाइए, सारी दुनिया देवघर में जुटने वाली है, आप सब उनके लिए अपने व्यापार को भी और सब आतिथ्य को बढ़ाइए, ये सुविधा। ऐसा कहा जाता है कि भारत में अतिथि देवो भव का जो है नारा लगाया जाता है, और वसुदेव कुटुंबकम का जो है बात कही जाती है, उस चीज़ को जो है आगे बढ़ाते हुए जो है आप भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, देवघर को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।